हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोशल स्टडी चैनल में। दोस्तों, एक और नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम आपदा प्रबंधन पाठ एक परिचय के, आपको याद है कि 10 छोटे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हिमाचल प्रदेश राज्य की एक मौसमी आपदा का नाम बताएं। तो दोस्तों, इसका आंसर है भूस्खलन और बाढ़। अन्य भी जो मौसमी आपदा है, जैसे कि बादल फटना, बादल हमेशा गर्मी में फटता है, इसलिए एक मौसमी आपदा है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिमाचल प्रदेश को किस आपदा का सामना हर साल करना पड़ता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भूस्खलन। दोस्तों, भूस्खलन बरसात के समय होता है, बरसात के समय ज़मीन गीला हो जाता है, जिसके कारण भूस्खलन होता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपदा पीड़ित क्षेत्र में घायलों के लिए सबसे अधिक आवश्यकता क्या होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड का। फर्स्ट एड जो दिया जाता है वो अधिक क्षति को रोकने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 1996 में किस राज्य में द्रुतबाद के बाद मलेरिया की महामारी फैली थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगस्त 2002 में उत्तराखंड के किस प्रदेश को त्वरित बाढ़ की आपदा का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों, इसका आंसर है बूढ़ा केदार टिहरी गढ़वाल को। दोस्तों, आप इसका आंसर बूढ़ा केदार भी लिख सकते हो या फिर टिहरी भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपदा से प्रभावित कारकों के नाम बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है जनसमुदाय, पशुधन, रहन सहन, पर्यावरण आदि, ये चीज़ें जो आपदा से प्रभावित होती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपदा के बाद पुनर्निर्माण में कौन कौन सी 3 बातें शामिल है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सहायता, विकास, पुनः स्थापना। दोस्तों, अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिया, अब 8वां क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेफ किस विभाग द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कर्नाटक अग्नि विभाग। सेफ जो संस्था है वो कर्नाटक अग्नि विभाग द्वारा चलाया गया है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कुंभकोणम अग्निकांड किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों, इसका आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आज का लास्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन फिलहाल के माहौल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। कोरोना वायरस कहाँ से फैला था? तो दोस्तों, इसका आंसर है चीन के वुहान शहर से। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।